मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी इन स्टैंडर्ड 5। सो किड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी में। हमारा पेज नंबर 104 पे मैंने आपको ऑलरेडी कहानी सुना ही दी थी। आई होप सभी बच्चों ने फिर से एक बार कहानी घर पे बोली होंगी और उसमें से कुछ ना कुछ मोरल सिखाई होगा, है ना। उसके बाद मैंने आपको पेज नंबर 105 पे ये वाले क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे, लेकिन हमारा स्वाध्याय में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, वो हमारा बाकी रह गया था। तो आज मैं आपको ये करवा देती हूँ मातृभाषा में अनुवाद वाला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आई होप सभी बच्चों ने नोटबुक में अच्छे से क्वेश्चन आंसर विद द गुड हैंडराइटिंग कंप्लीट कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना नोटबुक में कंप्लीट। ओके, और ये मातृभाषा अनुवाद वाला है, तो आपका जब क्वेश्चन आंसर हो जाए नोटबुक में, तो उसके बाद ये भी आपको नोटबुक में ही लिखना है। कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि हम मातृभाषा हमारे घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं गुजराती बोलते हैं ना, तो हमारे गुजरात की मातृभाषा जो है वो गुजराती है। तो चलो हम गुजराती में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस? सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी, तो लखीशू आपणे सरोवरना किनारे गीली मतलब भीनी जमीन होती। ओके, सरोवर का सरोवर ही रहेगा, के ना किनारे, किनारे गीली, भीनी जमीन थी होती। सरोवरना किनारे भीनी जमीन होती। सरोवरना किनारे भीनी जमीन होती। ओके, उसके बाद है सेकंड, हम चांद के भांजे हैं। तो भांजे का मतलब क्या है कि उसकी बहन का लड़का। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमें चांद के मतलब चांदना भांजा, मतलब एने रखा है गुजराती में कि भाई भाणियों, पण आपणे अहीं लखीशू भांजा ज लखीशू। भांजा छीए। ओके, अमे चांदना भांजा छीए। अमे चांदना भांजा छीए। हाथियों के झुंड मतलब ग्रुप, तो आप लखी सकें कि हाथियों टोला में। ओके, तो झुंड मतलब टोलो, तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हम लिखेंगे हाथियों ना टोला में कुछ एट्ले कि थोड़ा शरारती हाथी थे एटले हता। हाथीओना टोळामा थोड़ाक शरारती हाथी हता। हाथियों के एटले हाथीओना झुंड में एटले टोळामा कुछ एटले थोड़ाक शरारती एटले शरारती हाथी एटले हाथी थे मतलब हता। हाथीओना टोळामा थोड़ाक शरारती हाथी हता। ओके, उसके बाद खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, तेनो आवशे खरगोश एटले के ससलू। तो ससलाओना सरदारे एक उपाय मतलब युक्ति, उसे गुजराती में बोला जाता है युक्ति, सोचा मतलब विचारी, विचार वो। ओके, खरगोशों के सरदार ने एटले ससलाओना सरदारे एक उपाय सोचा एटले एक युक्ति विचारी। ससलाओना सरदारे एक युक्ति विचारी। ओके, तो यहाँ पे
मैंने आपको सभी का मातृभाषा में अनुवाद करवा दिया है। फिर से एक बार मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती, हम चांद के भांजे हैं, अमे चांद ना भांजा छे। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, हाथियों ना टोड़ा मा थोड़ा शरारती हाथी हता। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, ससलाओं ना सरदारे एक युक्ति विचारी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है कि ये जो मातृभाषा में अनुवाद मैंने करवाया है अच्छे से सीख लेना है, और आपको वीडियो में देख देख के अपनी नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। तो उस पूरा स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर देना। थैंक यू।